मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा है, काफी खास दौरा रहने वाला है। जेवर एयरपोर्ट पर निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक करेंगे और साथ ही साथ इंडिया एक्सपो मार्ट जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंडल के पुलिस अफसरों के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं मुख्यमंत्री। 11 सितंबर को अब सेमिकॉन इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया जाएगा कि क्या कुछ तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। शाम 6 बजे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री के विकास कार्य कितनी तेजी के साथ चल रहे हैं, वर्तमान जो स्टेटस है वो विकास कार्यों का क्या है। 11 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दौरा, इस दौरान निरीक्षण भी किया जाएगा, व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके लाइव। शिव त्यागी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा काफी खास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, आज दोपहर 2:15 के आसपास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे ग्रेटर नोएडा पहुँचेंगे और ऐसे में सबसे पहले वो जेवर एयरपोर्ट जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट में किस तरीके की प्रोग्रेस रिपोर्ट है यहाँ पे, इस सब चीज़ों का जायज़ा लेंगे। उसके बाद अधिकारियों से यहाँ पे बातचीत करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट और ऐसे में अप्रैल 2025 तक इसको शुरुआत करनी है, तो इसको देखते हुए भी किस तरीके का जो कार्य है वो किए गए हैं और कब तक इनको पूरा कर लिया जाएगा, इन सब चीज़ों की भी बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक्सपो मार्ट में उसके बाद जाएंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे, नोएडा ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के CEO हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बैठक करेंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर, गौतम बुद्ध नगर के जो DM हैं, सभी अधिकारी मौजूद होंगे और किस तरीके की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कौन कौन से पायलट प्रोजेक्ट है जो कि गौतम बुद्ध नगर में चल रहे हैं और उसमें किस तरीके की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इन सभी चीज़ों की यहाँ पर रिपोर्ट लेंगे। क्योंकि अब से पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट के बारे में किस तरीके की प्रोग्रेस रिपोर्ट है इसके बारे में अधिकतर अधिकारियों से पूछते रहते हैं। अब बिल्डर्स और बायर्स का जो मुद्दा है, कितनी रजिस्ट्रियाँ यहाँ पे हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में भी प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही जब समीक्षा बैठक हुई थी, उस समीक्षा बैठक में यहाँ पे मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि जो बायर अमिताभ कांत समिति में रुचि नहीं रख रहे हैं या 25% जो बकाया है उसको जमा नहीं कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की जाए और उसी कार्रवाई के तहत अब देखा जा रहा है कि सूची बनाई जा रही है और सूची के तहत उन बिल्डर्स पे कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक्सपो मार्ट में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, ऐसे में सेमिकॉन इंडिया 2024 का यहाँ पे शुभारंभ करेंगे और सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये जो कार्यक्रम होगा, तो इसमें यहाँ पे किस तरीके के यहाँ पे इंतजाम हैं उसको लेकर यहाँ पे जायजा लेंगे। 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक्सपो मार्ट में पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम जो तैयारियां हैं उसका जायजा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे लिया जाएगा। वही अधिकारियों से बातचीत की जाएगी, कितने लोग यहाँ पे आएंगे, VVIP मूवमेंट्स क्या रहेगा, सभी चीजों की जानकारी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पे आज लेने वाले हैं। जी बिल्कुल, शिव त्यागी, जब मुख्यमंत्री कहीं दौरे पर जाते, विकास कार्यों की समीक्षा करते, अधिकारियों से फीडबैक लेते, किस तरीके से किस गति से विकास कार्य चल रहे, यही खास बनाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को और यही ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि जानकारी आप लगातार दे रहे हैं। शिव त्यागी, बिल्कुल, क्योंकि जहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होता है उससे पहले ही वो उन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक दिन पहले पहुँचते हैं। सुरक्षा के अगर मद्देनज़र अगर बात करें तो एक्सपो मार्ट के आसपास करीब 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। वहीं DCP लेवल के जो अधिकारी हैं, जॉइंट CP हैं, खुद गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर हैं, वो इस पूरे एक्सपो मार्ट के आसपास सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम जगहों पर निगरानी बना कर रखे हुए हैं और ऐसे में किसी भी तरीके की यहाँ पे लापरवाही ना हो, यहाँ पे कोताही ना हो, इस वजह से खुद जो है ड्रोन से तमाम चीज़ों से यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जा रहा है, CCTV कैमरों से आसपास के तमाम इलाकों में यहाँ पे निगरानी बना के रखा हुआ है। और ऐसे में क्योंकि 50,000 के आसपास विजिटर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में विजिटर्स एक्सपो मार्ट में पहुँचेंगे कल, तो उसको देखते हुए भी डाइवर्जन जो है वो एक्सपो मार्ट के आसपास किया गया है, तो किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे इसको देखते हुए भी उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री को जो है जायजा लेने के लिए यहाँ पे अधिकारियों से बातचीत करने के लिए आज दोपहर के बाद यहाँ पे पहुँचेंगे और ऐसे में रात को यहाँ पे रुकेंगे। कल सुबह जो है प्रधानमंत्री आएंगे तो उनका यहाँ पे जब वो 11 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब वो आएंगे तो उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा और तमाम जो अधिकारी हैं चाहे वो केंद्रीय मंत्री हैं वो उनके स्वागत में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिव त्यागी जुड़े, महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।